मिलवाते हैं वेल रिच एंड फेमस लोगों से, और आज हम मिलेंगे मशहूर उद्योगपति और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक से, मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा। तो चलिए मैं आपको ले जाती हूँ उनके दिल्ली के पास बने शानदार बंगलों पे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा से। नमस्कार। आज हम आपसे वो बातें जानना चाहते हैं जो दुनिया नहीं जानती। अगर सबके सामने बताने की होंगी तो जरूर बताऊंगा। ओके, सबसे पहले हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, एक बेटा है, बहू है, एक पोता है और कुछ रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं। मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। आओ भाई आओ। हेलो, ये है मेरा बेटा रंजीत। हेलो। नमस्कार। ये है मेरी बहू आशा। नमस्ते। नमस्ते। और ये है रंजीत के साले साहब पंकज। नमस्ते। और उनकी पत्नी कंचन। नमस्ते। और बाकी सब मेरा स्टाफ है। नमस्ते। मल्होत्रा साहब, जनरली देखा गया है कि जॉइंट फैमिली में अनबन रहती है, आपकी फैमिली के सुख और शांति का रहस्य क्या है? सिंपल सी बात है जी, बिजनेस मेरा बेटा संभालता है और उसमें उसकी मदद करता है उसका साला, और घर का मोर्चा संभालती है बहू और उसमें उसकी मदद करती है कंचन, और इन सब को संभालता हूँ मैं। मेरा मतलब है घर का कोई भी काम हो एक फोन से करा देता हूँ मैं। मेरी पहुँच ऊपर तक है, सेंटर का हर मिनिस्टर, हर सेक्रेटरी के साथ मेरे रोज का उठना रहता है। बड़ी बात नहीं करता। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, घर का कोई टीवी खराब हो जाए ना तो ये किसी मैकेनिक को नहीं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को फोन करता है। ये पप्पू है, हमारे पुराने मुनीम जी का बेटा, बचपन से हमारे यहाँ ही पला, मेरे बेटे जैसा जी। और आप कभी मिनिस्टर को काम हो तो बता दीजिएगा मुझे, एक घंटे में करा दूंगा मैं। हाँ, गलत मत समझिए, ये इसकी आदत है। अच्छा। ये सही कह रहे हैं। अरे भाई क्या बात है, कोई टीवी सीरियल की शूटिंग वूटिंग चल रही है क्या? सिर्फ विलन की कमी थी। आओ, बैठो बैठो। ये डॉक्टर बलराज है, कहने को तो मेरे बचपन का दोस्त है लेकिन किसी दुश्मन से कम नहीं। घी, शक्कर, नमक सब पर राशन लगा रखा है और जासूसी के लिए पप्पू को छोड़ रखा है। अरे अगर ये सब कुछ नहीं करता प्यारे तो अब तक तुम भगवान को प्यारे हो गए होते। 515 तो बीमारियां। अरे क्या कर रहा है, कैमरा चालू है यार। ओह आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, बहुत बहुत तो ठीक है ना मेरा। अच्छा मल्होत्रा साहब, अब एक आखिरी सवाल, आपकी फैमिली इतनी हैप्पी है, आपकी लाइफ इतनी सक्सेसफुल है, अब क्या आपके मन में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसका पूरा होने का आपको इंतजार है? इंतजार है एक साथी का। क्या आप इस उम्र में शादी के बारे में सोच रहे हैं?
शादी? अरे नहीं भाई, मुझे तो अपने पड़पोते का इंतजार है जो मेरा खिलौना होगा, इस छड़ी की जगह मेरा सहारा बनेगा और मेरे बाद मेरा नाम जिंदा रखेगा। ओह सो स्वीट, और ये इंतजार कब खत्म होगा? जब मेरा पोता राज अपने सर पर सेहरा बांधने के लिए राजी हो जाएगा। फिलहाल तो वो अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए बाहर गया हुआ है। चलो पीछे। Thank you.
थैंक यू। तूने तो यार लड़कों की छुट्टी कर दी। नहीं हाँ एक्सक्यूज मी हाँ ओ जी, आज आपने फंक्शन में बहुत अच्छा डांस किया। हाँ आप कुछ कह रहे थे ना जी? आप आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पे क्या है। थैंक यू, सब यही कहते हैं। नो बेटा, ओके बाय बाय। भाभी ये लीजिए अपने बेटे को। क्या कह रहा था वो? वो हाँ। वो कह रहा था कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पे क्या। वो सोचा था कि बच्चा मेरा है। अरे छोटू हाँ? देखो इसमें पानी नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? क्या हो रहा भैया? काम नहीं कर रहे हो, काम चोर कहीं के हैं? गप्पे लड़ा रहे हो? अरे पप्पू भैया हम गप्पा नहीं लड़ा रहे, ये मैं पानी हाँ? नहीं आ रहा, कुछ अटक गवा। तू घास काट ले, पानी नहीं आ रहा। पप्स राइट। किसको फोन कर रहे? किसी मिनिस्टर को फोन लगा रहा हूँ, पानी नहीं आ रहा पाइप में। अरे प्लम्बर को फोन करो ना। अरे छोटे मोटे काम के लिए प्लम्बर को क्यों बुलाया? ये इरिगेशन मिनिस्टर क्या के लिए? इरिटेशन के लिए। करेक्ट। अरे ओके। पूरे परिवार भी यही मुझे पहचानता है। पानी देखा, फोन लगाने पानी आ गया, इसे कहते हैं पावर। आए फिर पानी बंद हो गया। अरे पप्पू भैया हाँ। पानी बदल गो। अरे बात बात फोन करो, तेरे बाप का नौकर हूँ माँ। राज मेरा बेटा आ गया। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। कैसे रही तेरे दोस्त की शादी? माँ उसकी तो लाइफ ही बदल गई है। तेरी लाइफ ही बदल जाएगी तो शादी के लिए हाथों बोल। दीदी बराबर कहती है तो शादी के लिए हाँ कर देना। मैं इसमें इतनी जल्दी फंसने वाला नहीं हूँ। वेलकम होम राज। कैसे हो बेटा, कैसे हो? डैड जीते रहो। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? फर्स्ट क्लास। अरे अच्छा हो तुम आ गए। देखो एक काम करो, तुम फौरन सिंगापुर चले जाओ और वहाँ पता करो हमारी शिप अभी तक वहाँ से क्यों नहीं निकली है। यहाँ के डीलर सब सर पे चढ़ रहे हैं। ए ओ बिजनेसमैन, तू कैसा बाप है रे? अभी बेटा घर आया नहीं कि तू उसे फिर से घर से बाहर भेज रहा है? जब देखो इस बेचारे को विदेश भेजने की बात करता रहता है। बाबूजी किसी न किसी को तो भेजना ही पड़ेगा। अरे तो किसी और को भेज देना। पंकज तुम ही चले जाओ। अरे फिर यहाँ का काम को मान लगाया ना। अच्छा लेकिन कहीं चोरी पकड़ी गई? डरता क्यों है? चोर वो जो पकड़ा जाए। दादा और पोते में इशारेबाजी जरूर है, कोई तिकड़मबाजी। लाओ माल निकाल दे। दादाजी लेकिन सिर्फ एक। हाँ सिर्फ एक। अरे वाह लड्डू, तेरे प्यार की तरह मीठे और मेरे दिल की तरह नरम। शायरी मत कीजिए, जल्दी खाइए, बड़ा रिस्की मामला है। चाहे कहीं से भी दरवाजा बंद कर लो लेकिन मास्टर की मैं रखता हूँ। ये क्या हो रहा है? चोरी चोरी मिठाई खाई जा रही है। कितनी हाई डायबिटीज है? हाँ। और वो भी 320। बाबू जी आपके लिए मिठाई को हाथ लगाना भी पाप है। दीदी पर दवाई खाते और खाते मिठाई भी। और दांत हमका पड़ा था कि हम खा गए सारी मिठाई। बाबू जी अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल तो किया कीजिए। अरे बस करो यार, एक कमजोर बीमार बूढ़े को देखकर सब शुरू हो गए। अरे पहले ये तो पूछो कि मैंने मिठाई मंगवाई क्यों है? क्यों क्यों? क्योंकि राज ने हाँ कर दी है। हाँ कर दी? किसके लिए? शादी के लिए। अरे भाई क्या कर रहे हो? वो थका हुआ है, उसे आराम करने दो। मैं इससे बात करता हूँ, मैं आके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये लो मिठाई और जाके मुंह मीठा करो। कैसे दादाजी हैं? क्यों? अरे अपने आप को बचाने के लिए आपने मुझे फंसा दिया। और तू कैसा पोता है रे? अरे अपने दादा की इज्जत बचाने के लिए तो पोते जान तक दे देते हैं और तू शादी करने तक की हानि कर रहा है। हा? देख बेटा अगर तू शादी नहीं करेगा तो मल्होत्रा वंश आगे कैसे चलेगा? दादाजी ये परिवार ऐसा है ना, इतना प्यार इस परिवार में, एक गलत लड़की आएगी और सब कुछ बर्बाद करके चली जाएगी। तो तू क्या समझता है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लेके आऊंगा? फिर भी मुझे शादी अभी नहीं करनी। आई एम सॉरी। सॉरी के बच्चे, मैं भी तेरा दादा हूँ, देखता हूँ तू शादी कैसे नहीं करेगा। और मैं भी आपका पोता हूँ, छोड़ो। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। और ये लड्डू भी है ना, शुगर फ्री है। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज सर, प्लीज सर, गुड मॉर्निंग। मिस डोरिचा हैंडसम।
अजय घनो सज्जो लागे। मिस बरूजा, मैंने आपको कितनी बार कहा है? हाँ, कि अब तक मेरी शादी हो जाती और दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी होते, पर अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है। But that's okay, मेरी भी नहीं हुई। हाँ, मैं समाज जब तक मुझे तेरे जैसा अच्छा और हैंडसम लड़का नहीं मिलता, मैं शादी करने वाली भी नहीं और करना भी नहीं मिस बरूजा। ओके ओके। तू क्या दिखता है? तू अपने काम का हो ना। हेलो बेटा राज, मैं डॉक्टर बलराज बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर दादा। बेटा तुम फॉरेन मेरी नर्सिंग होम में चले आओ, तुम्हारे दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन सुबह को तो ठीक है। अरे बेटा इस उम्र में तबीयत का क्या है, कभी भी खराब हो सकती है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके वो आ रहा है। हेलो माँ, डॉक्टर दादा का फोन आया था। वो कभी यही थे, दादाजी का रूटीन चेकअप किया और फिर वो दोनों घूमने गए। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं माँ, ठीक है बाय। ऐसी एक्टिंग करना कि एकदम रियल लगे। अरे तू फिकर मत कर कैलाश, तू तो जानता है कि कॉलेज के जमाने में एक्टिंग में फर्स्ट आया करता था। दादाजी राधा क्या Oh my God, दो इंजेक्शन देने के बाद भी तेरी नब्ज नॉर्मल नहीं हो रही। और भी ऐसी कौन सी चिंता है जो तुझे खाई जा रही है? तेरे पास अभी भी एक साल की जिंदगी है। अरे एक साल में तो इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताइए ना, मैं पूरी करूँगा आपकी ख्वाहिश। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि ऊपर जाने से पहले अपने पड़पोते का मुंह देख लूं, लेकिन राज को अपने दादा से नहीं अपनी आजादी से प्यार है। अरे आंखें खोलो कैलाश, देखो राज आया है। राज तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादा। वाह 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 वाह, सूट बूट पहनकर अब हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे। वो तो मुझे इमरजेंसी में लेटना और इमरजेंसी में इतनी बुरी एक्टिंग भी करनी पड़ी आप लोगों को, है ना? और डॉक्टर दादा आप भी इसमें शामिल। अरे मैं क्या करता, तुम्हारे दादा ने मुझसे ये मजाक करवाया है। दादाजी क्यों करते हैं आप ये सब? आपको मालूम है कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं? कीमती हूँ ना है? तो फिर मेरी बात मान ले, बोल कब चलता है लड़की देखने के लिए, जवाब दे। जब भी आप कहेंगे। रिया, लगता है वो लोग आ गए। आइए 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 मल्होत्रा। नमस्ते कपूर साहब। कपूर साहब ये मेरा पोता राज है। हेलो। और पप्पू को तो आप जानते ही हैं। ये तो वही है जैसे मैं सुमन की शादी में मिली थी। मैं तुम दोनों को वहाँ देखकर सारी सिचुएशन समझ गई थी, इसलिए तो ये रिश्ता हमने मांगा है। हम तो पहले ही आपकी बेटी को देखकर पसंद कर चुके हैं, आज तो उसे राज को दिखा रहा था। आओ बेटी आओ आओ। जी उम्र में कुछ बड़ी नहीं लगती आपको? क्या बात कर रहा है, मैंने जन्म पत्री देखी है इसकी, उम्र एकदम बराबर है। लगता है दादाजी ने बिना चश्मे की कुंडली देखी है। इसके गाले कितने मोटे हैं। अरे वो भी तो सुंदरता की निशानी है, इसकी हंसी देखी कितनी सुंदर है। इसे तो अच्छी मुझे बाजू वाली लगती है। बच्ची की माँ है वो, तो ये चार बच्चे की माँ दिखती है। क्या बात करो, बिल्कुल लगती नहीं हो। बेटे अगर तुम्हें इससे कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ हाँ कुछ पूछना है तो पूछ ले। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं तो 7th standard तक पढ़ी हूँ,
लेकिन ये डबल ग्रेजुएट है, घर के सारे कामों में बहुत होशियार है। ये समोसे, कचौरी, पकौड़े, मिठाइयाँ सब इसी ने बनाए हैं। इसका मतलब इसको कुछ नहीं आता। अरे इतना सब कुछ तो आता है, और क्या चाहिए तुझे? ये सवाल उससे क्यों पूछ रहा है? वो अभी भी आपकी तरफ से देख रहा है। तैयार रहिए, एक और सवाल पूछ रहा है। आपकी हॉबीज क्या क्या है? बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, स्विमिंग, म्यूजिक, ये सब इसकी मेन हॉबीज है। इनकी तो आदत है दूसरों की तारीफ करना। ये तो खुद गोल्ड मेडलिस्ट है कबड्डी में। कबड्डी में? अब बेटी मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। ये बताओ कि घर संसार सुखी रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्यार है। घर में लोग ज्यादा हो या कम, हर एक को अगर एक दूसरे के साथ प्यार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। वाह, इतने सुंदर विचार हैं इसके। अरे इनके सुंदर विचार का क्या आचार डालना है? इसके सुंदर विचार पूछो ना। हा? अरे इसकी भाभी के विचार पूछ कर क्या करना तुझे? भाभी? हाँ। चुप हो जा बेटे, और रानी आपका बेटा रो रहा था। अच्छा 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 अच्छा, मेरा बेटा बधाई हो कपूर साहब, राजपुत्र की पसंद आ गई है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बस अब आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए। हाँ जी, जरूर जरूर। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यू किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा।
प्यार दूं, बस तेरा नाम लूं, बैठे जो कभी तुझको थाम लूं। इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। यूँ किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। अंकल, प्यार में और फोटोग्राफ में कोई फर्क नहीं है। देखिए कैसे दोनों अंधेरे में डेवलप होते हैं। अरे ये राज की तस्वीर किसने निकाली? देखो, देखो। मैं तस्वीर मैंने निकाली है, और जब मैं तस्वीर ले रही थी ना, राज को पता भी नहीं था। ऐसा लगता है तुम दोनों को स्विट्जरलैंड बहुत पसंद आया है। अगर ऐसी बात है तो तुम और राज वहाँ एक दो साल के लिए सेटल डाउन क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल नहीं, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अब तक तो बेटे को विदेश भेजने की फिक्र में थे, और अब बहू को भी नहीं। अरे तुझे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था ना, तो रो रो के बेहाल हो गया था तू। बाबूजी आप भी बताए। दादाजी आप मुझसे कहते फॉरेन मिनिस्टर से कहलवा करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच यहाँ खुला देता मैं। अरे गधे, तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। राजपूत। हेलो, ठीक है। हेलो, एक सेकेंड। मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, किसका फोन था जो तुम्हें मुझसे दूर जाके बात करनी पड़ी? देखो राज, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बोलो क्या बात है? तुम सही कह रही हो, पहले मैंने सोचा था तुमसे ये बात छुपाऊंगा, लेकिन ये बातें कभी छुपती नहीं। अगर तुम्हें ये पता चले कि मेरे प्यार का कोई और भी हिस्सेदार है, तो तुम क्या करोगी? अपनी जान दे दूंगी। राज, तुम क्या किसी और से प्यार करते हो? करता नहीं हूं, करना शुरू करूंगा। क्या? डॉक्टर दादा का फोन आया था, रिपोर्ट पॉजिटिव है, प्रिया तुम मां बनने वाली हो। क्या? मैं परदादा बनने वाला हूँ। झुक झुक किया, झुक झुक।
जीते रहो जीते रहो। अरे बंसी अरे, अरे बंसी ये जाकर गरीबों में बांट दो। बहू आजा। जी बाबूजी। मुबारक हो बहू, तुम दादी बनने वाली हो और मैं परदादा बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे छोटू भगवान ने मेरी सुन ली। जीती रहो बेटी, भगवान तुझे मेरी उम्र दे दे। रंजीत तुझे मेरी पोजीशन मिलने वाली है, यहाँ दादा बनने वाला है और मैं परदादा बनने वाला हूँ। मुबारक हो मुबारक हो। मैं परमामा बनूंगा, मैं परमामा बनूंगा। मुबारक हो। बस पहली बार मैंने इस घर में इतनी खुशी देखी, सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू। थैंक्स टू यू। लव यू। कैलाश मुबारक है। मुबारक 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 मुबारक। बच्चू तू भी क्या याद करेगा, ये देख आज मैं मिठाई लेकर आया हूँ, खुद भी दबा कर खाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। नहीं नहीं बलराज, आज से मिठाई बिल्कुल बंद। अब तो मैं जीना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरी छड़ी आ रही है, अब तो मैं सब कुछ वही करूंगा जो तू मुझे करने के लिए कहता है। क्रिकेट, टेनिस, जॉगिंग। अरे छुटवा दे, बड़े बारीक सालन बाद टहले निकले हैं, वो भी बिना छड़ी के। ये तो बहू रानी का कमाल है। दादाजी जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे रिश्ते की बात आपके फैमिली में चल रही है तो मैं तो बहुत डर गई थी। क्यों? मैंने आपकी एक तस्वीर अखबार में देखी थी और मैंने सोचा कि जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो वो तो एकदम हिटलर जैसा और स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी होगा और मुझे आधे हाथ का घूंघट निकाल के रहना होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आप तो बड़े मॉडर्न हो। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आप राज के नहीं मेरे दादाजी हैं। माँ जी, अब की बार हमारे बगीचा में जबरदस्त फसल हुई है। एक एक पेड़ में 100 किलो आम लगा है। अरे तो आम तोड़ रहा था कि तोड़ रहा था। वो झगड़ा बंद करो और ये काम करो। ये शर्मा जी क्या जाएगा उस टोकरी में डालो। ओके। और भाभी डॉक्टर कुमार के लिए लाइए, उस टोकरी में डाल दीजिए। ये लीजिए। अरे अरे क्या कर रही हो बेटी, मैंने कई बार कहा ना ऐसे समय में कोई भारी चीज नहीं उठाते। ये कच्चे आम निकाल। अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं शॉपिंग करने गया था। किसकी? महाराणा प्रताप की। मेरा मतलब है महाराणा प्रताप के फोटो की। क्यों? इसलिए कि 6 महीने की एक्सपेक्टिंग मदर जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा दिखती है उसके गुण बच्चे में आ जाते हैं। और ये महाराणा प्रताप की तस्वीर प्रिया के कमरे में अगर हम लगाएंगे तो बच्चा भी महाराणा प्रताप की तरफ बहादुर होगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बच्चा अगर महाराणा प्रताप की तरफ बनेगा तो पूरी जिंदगी जंगलों में भाला लेकर लगता रहेगा। हमें बच्चे को तो क्रिकेटर ही बनाना चाहिए। अरे क्रिकेटर बन के क्या करेगा, बेकार किसी मैच फिक्सिंग में फंस जाएगा। हमारे बच्चे को तो देश का बहुत बड़ा नेता बनाना चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। इसलिए प्रिया के कमरे में। क्या हुआ, सो गए? नहीं मैं सोच रहा हूँ किस नेता का फोटो लगाऊं। बड़ी बात छोटी मुझसे बोलो। बोल। आप तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बहुरानी के रूम में किसी फिल्म के हीरो का फोटो लगाइए, वो नेता का रोल कर सकता है, क्रिकेटर का रोल कर सकता है और वो महाराणा प्रताप का भी रोल कर सकता है। वेरी सिंपल। नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता। नेता का फोटो महाराणा प्रताप, सचिन तेंदुलकर नेता, महाराणा प्रताप नेता, सचिन तेंदुलकर। तो फार्मा का झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहले प्रिया बेटी से तो पूछ कर देखो कि वो किसकी तस्वीर लगाना चाहती है। हाँ हाँ बेटी बोलो। आप लोग मेरे लिए इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो अपनी पसंद की फोटो पहले ही लगा चुकी हूँ। किसकी? Thank you.
आओ, कम ऑन पप्पू। पप्पू भैया शाबाश। बगा पप्पू, बगा। ओह पप्पू, वेरी गुड कम ऑन। ये आई गो। अरे पकड़ बंसी। क्या बंसी? यू आर आउट। आउट किस दादाजी? ये तो सिक्स था। आउट मतलब आउट। ये क्या बात हुई? दादा, she's cheating, Marge, not fair, not fair. बरखुरदार, ये हमारे खानदान का रूल है कि जो डायरेक्ट बाउंड्री से बाहर गया वो आउट। लाओ बैठ दो मुझे। अच्छा, ये बोली ना कि बैटिंग करनी है। हाँ, बैटिंग करनी है मुझे। हाँ, तू जाकर बैटिंग कर। हाँ, क्या बात है दादाजी, पहली बॉल में तो आउट हो जाओगे। अरे जा, देखे तेरे जैसे बहुत आउट करने वाले। इतना फास्ट बॉल डालता है, बैट उठाने से पहले अंदर घुस गया। मैं आउट नहीं हूँ। अरे बोलो ना, आउट है? नॉट आउट, नॉट आउट। नहीं नहीं, आउट है। अरे क्या कह रहा है, बिल्कुल आउट है। अरे तुम कैसे मारो, बिल्कुल आउट है। ओके 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 ओके, आउट। या अरे वो तू मेरा दोस्त नहीं, गद्दार है। गद्दार, हमारा आपस में क्या फिक्स हुआ था है? अरे मैं क्या करता, ये सब के सब मेरे ऊपर चढ़ गए, इसलिए मुझे आउट कहना पड़ा। फोन में आउट कहना पड़ा। फैमिली मैच फिक्स। मेरी बैग, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फोन करके बताऊंगा। अरे लो यार, मैं नहीं बैटिंग करता। अब मेरी बैटिंग है। हाँ चलो 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 जाओ। आइए आइए मैडम, तशरीफ लाइए। थैंक यू रेडी। क्रिकेट खेलना तो आता नहीं, और तेंदुलकर की फोटो लगाऊंगी। अब देखिए मैं कैसे सिक्स मारूंगी। सिक्स मारेगी। आइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो घंटे हो गए, कोई कुछ बताता क्यों नहीं? ये बलराज भी अंदर गया, अभी तक लौटा नहीं। क्या हुआ अंकल? सब ठीक है ना? बहू का मिसकैरेज हो गया है, बच्चा बच्चेदारी में गुजर गया। और प्रिया बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू सही सलामत है। क्या हम प्रिया से मिल सकते हैं? नहीं, प्रिया को इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया गया है। 7-8 घंटे तक उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। मेरी राय यह है कि हम सब लोग घर चलते हैं। वैसे भी जब से एक्सीडेंट हुआ है कोई भी चैन से बैठा तक नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं आंटी, हम दोनों यहाँ रुक जाते हैं। माँ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। लेकिन बेटी। माँ, जैसे प्रिया को होश आ जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा। हाँ चलो 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 चलो, आओ कैलाश तुम भी चलो। एक माँ के लिए अपना बच्चा खोना बहुत बड़ा सदमा होता है। प्रिया को संभालना बेटा। जी दादाजी।
मिस्टर मल्होत्रा, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं भी आया। आओ राज, आओ बैठो। बेटे, मैंने तुम सब लोगों से एक बात छुपाई है। कौन सी बात? एक्सीडेंट में प्रिया का गर्भाशय फट गया था, उसमें सेप्टिक हो गया था। शरीर में जहर न फैले इसलिए डॉक्टर को उसका गर्भाशय और ओवरीज को निकालना पड़ा। इसकी वजह से प्रिया कभी मां नहीं बन सकेगी। मॉडर्न से मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अब उसके काम नहीं आएगी। बेटे, तुम्हें यह बात अपने घर में सबसे छुपानी होगी, क्योंकि अगर यह बात तुम्हारे दादाजी को पता चल गई, उन्हें दो हार्ट अटैक पहले ही हो चुके हैं, तीसरा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी बात प्रिया को से पूछने का एक ही तरीका है कि हमारे आंसू नहीं निकले। चले बच्चे आ गए हैं। मुझे कोई रोना धोना और अफसोस नहीं चाहिए। सब लोग ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, समझे? जी। जाओ जाओ, अपने काम में लग जाओ। आओ बच्चों आओ। क्या लंबी उम्र पाई है हमारी बहू ने, नाम लिया और आ गई। जुग जुग जियो। देखना बहू, साल भर में ही हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। या बेटी, दूधो नहाओ और पुतो फलो बेटी। बस नहीं प्रिया, नहीं बेटी, रोते नहीं। अरे जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए अफसोस कैसा? हाँ चुप हो जा। अरे बेटी, मिसकैरेज तो बहुत मामूली बात है। मेरी एक फ्रेंड को भी मिसकैरेज हुआ था, लेकिन अब वो चार बच्चों की माँ है। क्या फैमिली प्लानिंग के जमाने में चार बच्चे? पप्पू हाँ, इनकी सहेली के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस क्या, मैं तो फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर को फोन करके अभी इनकी सहेली को अंदर करवा सकता हूँ। अरे इनकी सहेली का हस्बैंड खुद फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर है, आप अंदर करवाओगे? प्राइम मिनिस्टर को फोन करो। कहाँ बैठते वो? हंसते क्या है, मैं बिल क्लिंटन को भी फोन कर सकता हूँ। क्या हो रहा है भाई, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, किसी को बहू का ध्यान नहीं है। ये अस्पताल से आई है बेचारी। हाँ प्रिया, जाकर आराम करो बेटी, आज मैं सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाऊंगी। चलो भाभी, सामान भी ले जाना। पप्पू बिल्कुल, अरे ऑफिस ही जाना है क्या? हाँ, पक्का। बहू तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। राज ले जाओ बहू को। तुमने अपने घर वालों की आंखें देखी है? हर आंख में एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं इस घर को वारिस दूंगी। कभी ना कभी तो उन्हें मालूम हो ही जाएगा कि हमने उन लोगों को धोखा दिया, तब क्या होगा? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोचा है। पता तुम्हें कैसा लगता है, हम एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा खोल देंगे।
देखो टडी हमेशा कहते हैं ना कि इसे समाने के लिए बाहर चले जाए। अगर तुम कहती हो तो हम दोनों एक डेढ़ साल के लिए बाहर चले जाते हैं और ये बच्चा को दे देते वहां पे, ठीक है? और डॉक्टर दादा को मैं समझा दूंगा। और चारा ही क्या है हमारे पास? दादाजी आओ बेटी आओ। मेरी पता जीती रहो जीती रहो। आओ बैठो बेटी। आप रो रहे थे? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू है बेटी। पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि मैं परदादा बन गया हूँ। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है। बिल्कुल रात जैसा, वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान। जैसे ही मैंने उसे प्यार करने के लिए सर झुकाया, उस बदमाश ने मेरी मूंछें पकड़ ली। मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जानती हो बेटी, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। क्या थैंक यू माय लव। राज, आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे? मांगना क्या, सब कुछ तुम्हारी तो है। जो मेरा है उसे किसी और को देना चाहूं तो दे दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? आज दादाजी ने एक सपना देखा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, एक छोटा सा राज उनकी गोद में खेल रहा है। उन्हें कोई और नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। अब तुम्हें बताओ, एक अडॉप्ट किए हुए बच्चे को अपना खून बताकर हम उनके सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खेल सकते हैं? कमी मुझ में है राज, मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो। मान जाओ प्लीज राज। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ, अगर वैसा कुछ मेरे साथ होता तो तुम दूसरी शादी कर लेती। देखो एवरीथिंग इज गोना बी परफेक्टली ओके। राज, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। क्यों, क्या बात है? मैं फोन पे नहीं बता सकती। एक काम करो, मैं इंडिया गेट पहुंचती, तुम भी वहां जाओ। ठीक है, मैं भी आया। क्या वो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? ये न्यूज पढ़ो। सरोगेट मदर। राज, कितनी किस्मत वाली होगी लड़की जो मेरी तरह मां नहीं बन सकती थी, मगर फिर भी उसे औलाद मिल गई। फर्क सिर्फ इतना ही था कि कोक किसी और की थी। तुम्हारा मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी? नहीं, हमारा परिवार इतना मशहूर है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात छुपी नहीं सकती। इसका मतलब तुम ये चाहती कि मैं? हाँ राज, अगर हमें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो हमारे बच्चे को जन्म दे सके। देखो, अगर मुझे किसी और से बच्चा पैदा करना होता तो मैं शादी के लिए इनकार क्यों करता, बच्चे अडॉप्ट करने की बात क्यों करता? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये प्यार भी किसी से बांटना नहीं चाहता। राज, दुख तो मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन सुख की कीमत तो देनी ही पड़ती है। मैं अपने बच्चे के लिए तुम्हारा प्यार भी दूसरी औरत के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। प्रिया, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो ऐसी औरत हमें मिलेगी कहाँ? अगर मेरी किस्मत में मां बनना है
तो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। हाय हैंडसम, तेरे एनआरआई दोस्त अजय शर्मा के साथ जो हमारी कंपनी का फॉरेन मार्केट तब्दील हो रहा है, क्या ये मेरी मदद करेगी? तो तेरा मुंबई जाने का ए टिकट। क्या हुआ, तू कुछ डिस्टर्ब लग रहा है? कुछ नहीं मिस बुरुजा, आप बैठिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम। अरे तू मुझे अपनी प्रॉब्लम बोल, मैं तेरी प्रॉब्लम यू सॉल्व कर दूंगी। मिसेस बलूचा, ये प्रॉब्लम यू सॉल्व नहीं होगी, इसमें कम से कम 9 महीने लगे हैं। क्या जी? मेरा एक दोस्त है, उसको एक लड़की चाहिए। अच्छा, तेरे जैसा हैंडसम है के? हाँ हैंडसम है, रईस भी है, और वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ, लेकिन सिर्फ उसको एक बच्चा चाहिए। अरे तू शादी तो हो जाने दे, फिर देख मैं एक पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर दूंगी। प्रॉब्लम ये है कि इसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और वो दूसरी शादी करना नहीं चाहता। क्या बिना शादी के बच्चा? कोई प्रॉब्लम है उसमें? व्हाट नॉनसेंस, तूने मुझे गलत समझा है, मैं क्या ऐसी वैसी लड़की हूँ? नहीं नहीं मिस वरुषा, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा था बस। अरे बाहर में जाए तेरा दोस्त और उसका प्रॉब्लम, और मेरा सब कुछ मैं अपने पति को ही दूंगी, समझा? कैसा स्टूपिड दोस्त बनाता है जो ऐसा प्रॉब्लम देता है। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। अब तक हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, लेकिन आज से बिजनेस का भी हो गया है। थैंक यू मिसेस कपूर। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कांग्रेचुलेट मिस्टर राज मल्होत्रा एंड मिस्टर अजय शर्मा। ये बहुत खुशी की बात है कि मिस्टर राज मल्होत्रा की कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की यूरोप में मार्केटिंग मिस्टर अजय शर्मा की कंपनी ही करेगी, और सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए इस विषय में मैं मिस्टर राज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो। क्या ये मेरी मदद करेगी? मिस्टर राज, आपकी परेशानी के बारे में मुझे मालूम है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। इट्स माय ऑनर। प्रिया ये सुनकर बहुत खुश होगी। राज, मिसेस कपूर अपने प्रोडक्ट के बारे में तुमसे अपनी राय पूछ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट पहले लॉन्च किया जाए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं कहीं और था, नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर लें। श्योर, व्हाई नॉट। द एक्चुअल थिंग इज दैट आई एम मिसिंग माय वाइफ अ बिट टू मच टुडे, एक्सक्यूज मी, सॉरी, बाय, सी यू लेटर ब्रदर। हाँ हाँ। कहाँ जाना है आपको? सीधा। यहाँ से लेफ्ट ले लो, बस यही रोको। आपका घर यहाँ? यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अरे घर का क्या करना है, गाड़ी की लाइट बंद कर दे और इधर ही शुरू हो जा। क्या एसी गाड़ी है, बहुत रंग जमेगा। देख एक रात के 1000 रुपए लेती हूँ मैं, लेकिन तू चाहे तो 100-200 कम दे देना, चल। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने आपको देख के आपको लिफ्ट दी है, मैं आपको घर छोड़ने वाला था। मतलब? मेरा मतलब है कि मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। एक मेरा दोस्त है, उसको ऐसी लड़की चाहिए जो उसके साथ 1 साल तक रहे। 1 साल के लिए? साला ऊपर से साधु अंदर से शैतान। ये स्टोरी तेरे दोस्त का नहीं है ना, तेरा ही है ना? हाँ हाँ जी। देख से मेरे साथ तो 2-2 पेट लगे हुए हैं, उनका कोई बाप नहीं है देखभाल करने वाला, तो मैं तो नहीं आ सकती। लेकिन एक लड़की है दीपा भर में डांस करती है, तू उससे जाकर मिल, उसका नाम मधुबाला है, तेरा काम हो जाएगा, जा मैं उसे फोन कर दूंगी। थैंक यू। एक 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 ये आप रखिए, हाथ भी नहीं लगा और पैसे देता है। ये आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए। मैं दुआ करूंगी कि तेरा जो भी काम हो वो पूरा हो जाए। थैंक यू।
तेरे पे तो बहुत माल उड़ा है। ए, बाकी माल कहाँ है? कौन सा माल? सीधे से देती हूँ मैं, निकालो। सुनेगा नहीं। चल निकाल निकाल। ले। ये ले तेरे कमीशन। ए मीना, चल जाओ। जाती है वैसे भी ये नल्ला है। चल पाउडर रानी। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? हम्म।
मेरे को वैजयंती का फोन आया था कि तू आने वाला है। बोल क्या काम है? उसने आपको बताया नहीं? मधुबाला चलती है क्या? ए झींगे चल फुटना। और भाव खा रहे लिया आज। ए तू जाता क्या? जा। हाँ बोल से। यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, हम लोग बाहर जाके बात कहीं और जाके बात करें। ठीक है, लेकिन उसका पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है चल। चलो। अरे सेठ यहाँ क्यों लाया है? तू चांदनी में चलना, वहाँ ग्राहकों की चांदी चांदी है। अरे कमरे के साथ साथ साबुन तौलिया बियर वियर सब फ्री मिलता है। मेरा कमरा यहाँ पे। ओ लगता है बहुत बड़ा पाना लगा है। तुम लिफ्ट के पास जाओ, मैं चाबी लेके आता हूँ। गुड इवनिंग। अरे ये सैंडल बार बार क्यों खुल जाती है इसकी तो? क्या रे कबूतर, दांत क्यों दिखा रहा है? नहीं लगाए क्या? मोटू कहीं का चले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऐसे इसको टिप मत देना, मेम साहब बड़ी दिलवाली है। अच्छा बहुत चाली चीज से दे रहे थे। थैंक यू सर। ए मोटू आधा मेरा। आइए आप आइए। अय्या कितना बड़ा कमरा है रे। सुना था बड़े बड़े होटल में बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, पर सेठ ये तो कितना बड़ा है। अरे टीवी भी है तेरा है सेठ? नहीं होटल का है, आप देखना चाहेंगी? मोबाइल फोन है सेठ? नहीं ये रिमोट कंट्रोल है। मधुबाला। ओ सेठ मैं तो भूल ही गई थी। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। क्यों मूड नहीं है क्या? नहीं मुझे आपसे दो मिनट बात करनी है। आप उसका डबल पैसा लगेगा सेठ। मैं तो मजाक कर रही थी सेठ। बैठना। अरे बैठना। अभी तेरे से क्या भाव की बात करने का सेठ, जब मैं भाग जाती है ना बहुत पैसा लेती है, 700-800 रुपए लेती है, लेकिन तू अच्छी जगह लाया, अच्छी तरह बात भी किया, देखने में भी चिकना है, तेरे को तो मैं काटूंगी, 1000 रुपए लूंगी। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप एक हफ्ते का कितना लेगी? 3000। एक महीने का? मैं तेरे को इतनी अच्छी लगी क्या? तू भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल एक महीने का 15000 रुपए दे देना। एक साल का? एक साल अरे बहुत हो जाएगा, इतनी तो गिनती भी नहीं आती मेरे को। 30-25-35 1,00,000 हो जाएगा सेठ, 1,00,000। कितना है? 2,00,000। 2,00,000 सेठ इतना पैसा जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी मैं। ए सेठ कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करेगी मैं, कहीं तू नंगी पिक्चर में तो नहीं काम कराएगा? घबरा मत, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। दिखता है हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ एक औलाद नहीं है, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। बच्चा क्यों? तेरी बीवी को बच्चा नहीं होता क्या? नहीं रुक रही तो तुम मेरे पास काहे को आया है रे? क्योंकि मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बोल कितना देगा? 5,00,000-10,00,000। हेलो क्या वो तुम ठीक हो? 10,00,000 क्या वो? मैं खाली तेरे को बच्चा देगी और बदले में तू मेरे को 10,00,000 रुपए देगा। सेठ मटका लगा के रास्ते पे तो नहीं छोड़ देगा ना? मैं तुम्हें सब पैसे भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं भरोसा है तेरे पे, लेकिन मेरे जैसी रास्ते की छोकरी का बच्चा तू अपनी बीवी की गोद में डालेगा दुनिया क्या बोलेगी?
दुनिया को कुछ मालूम पड़ेगा तो बोलेगी ना। अच्छा चोरी चोरी मेरी बहन की कमाई कमाल हो गया इस पेट। आज तक मैं अपने पेट के वास्ते कमाती थी और आज पेट इस मेरे को कमा के देगा। लेकिन एक बात याद रखना से अपना भी लाइफ में एक ही उसूल है, मैं कभी किसी को अपने होठ का चुमा नहीं देती। ओके ओके हेलो प्रिया। हाय, मैं तुम्हारे ही फोन के इंतजार कर रही थी। सुनो, जो लड़की तुम्हें अपना बच्चा देने वाली है वो मुझे मिल गई। रियली? हाँ। शी मस्ट बी एन एंजल। वो कितनी भली होगी जो हमारी मदद करने के लिए तैयार होगी। भली है लेकिन प्रिया। समझ गई, वो गरीब घर की है यही ना। प्रिया वो अच्छे कल्चर की हो हमारे लिए तो यही बहुत है। मेरी मेहनत की कमाई। आई लव यू प्रिया। आई लव यू टू। सुनो, कल जाके अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना। ये लो 50,000। और ऐसे कपड़े लाना जिससे बदन ढके। क्यों, तेरे को मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी बॉडी है लेकिन जरा इसे ढक के रखो। ठीक है। और घर वालों से कह देना कि तुम एक साल के लिए मेरे साथ हो। अपुन का इस दुनिया में कोई नहीं है, जो भी है तू ही तेरे। अच्छा तुम जाके सो जाओ। तो चलना, मैं कब की रेडी है। अरे नहीं, तुम यहाँ सो मैं वहाँ सोता हूँ। क्या, तुम यहाँ सो मैं वहाँ सोता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरे 10 लाख जल्दी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मेरे 10 लाख मिल जाएंगे मिल जाएंगे, सो जाओ। पता नहीं मेरे 10 लाख कब मिलेंगे। अय्या एक्सक्यूज मी, ये कितने का है रे? इट्स नॉट मेंट फॉर यू। हिंदी में बोलना। आपके मतलब की चीज नहीं है। काइको, कपड़ा खराब है या रंग कच्चा है? महंगा है, आप नहीं ले सकती। अरे क्या बात करती है तू, देखना पैसा है मेरे पास। चलो बाहर जाओ। अरे बाहर काइको जाने का, पैसा है ना मेरे पास, कपड़े खरीदने को आई है मैं। एक बार बोला ना आपको, बाहर जाइए प्लीज, गेट आउट। अय्या तलाक दिखाता है मेरे को। अरे तेरी नाक में रस्सी, फोकटिया समझ रखा है क्या मेरे को? अच्छी दुकान खरीद सकती है मैं तेरी, समझा क्या? ना तो हमें दुकान बेचनी है ना ही सामान, यहाँ सिर्फ शरीफ लोग आते हैं, बाहर जाओ। साला बुड्ढी के बाल, शरीफों के पैसे में क्या दूर लगा रहता है क्या? वॉचमैन जी साहब। ए हाथ नहीं लगाने का मेरे को, रस्ते का माल सस्ते में समझा क्या? साला बुड्ढी के बाल, तेरे को मैं छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठा है और तमीज फेरी वाली की भी नहीं है। साला हल्का हट, हट रे, साला आंख दिखाते मेरे को, हट, छोड़ेगी नहीं मैं साले को। मेरे को धक्का मार के दुकान से निकाला, इंसान नहीं पहचानता, ड्रेस पहचानता है। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या है? कहाँ जा रही है यार? ऊपर, तू कौन होता पूछने वाला? देखो मैडम, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, आपको किससे मिलना है? अरे मेरा सेठ है ना। कौन सेठ? अरे वो है ना, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला चिकना, कल रात को तो मेरे को लेके आया था, उसका रूम भी ऊपर है। रूम नंबर? अभी नंबर वंबर मेरे को मालूम नहीं, वो है ना वो कमरा ऊपर जहाँ से दरिया दिखता है रे। देखो मैडम, यहाँ बहुत से कमरे हैं जहाँ से दरिया दिखाई देता है। अरे तू चल ना मेरे साथ, दिखा दी मैडम, आप ऊपर नहीं जा सकती। ए टकले, तू लफा करे लाया, मेरे सेठ को पता चलेगा तो तेरी नौकरी खल्ला। मैडम यू हैव टू गेट आउट ऑफ द होटल प्लीज, आप जैसी लेडीज हमारे होटल में नहीं आ सकती। गेट आउट, आउट, छोड़ मेरा हाथ, अरे छोड़ मेरा हाथ। अरे नहीं, ए मोटू इधर इधर। अरे ये मेरे को जानता है, क्या बोलना है सफेद कलिंगड़ को कि तू मेरे को जानता है? तुम इसको जानता है? यस सर। अरे जाने का कैसे नहीं, ये तो मेरे को ऊपर लाया था। सर ये राज मल्होत्रा के साथ थी। राज मल्होत्रा? एक्सक्यूज मी मैडम, बात यह है कि कल रात को मेरी ड्यूटी नहीं थी, इससे छोटी सी गलती हो गई। आई एम क्वाइट श्योर कि छोटी गलती को आप माफ करेगी। आई एम क्वाइट श्योर कि आप राज साहब को ये बात नहीं बताएगी। अरे कौन राज साहब? राज मल्होत्रा, जिसके साथ आप आई है। अय्या अपने चिकने का नाम राज मल्होत्रा है, अभी तू भी आएगा क्या मेरे साथ? नहीं, नहीं, नहीं। चलना, तू क्या देख रहा है मेरे चिकने का है रे? इंटरनेशनल मार्केट में
जो हमारा पहला प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो होगा फूड फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स। हमारे दोस्त अजय शर्मा, हमारे बिजनेस पार्टनर, इस प्रोडक्ट को अपने अमेरिकन कंपनीज के थ्रू वहाँ पे प्रमोट करेंगे और इनको जो भी टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी मैं वहाँ पे आके दे दूंगा। ठीक है मिस्टर सिन्हा। यस सर। मार्केट सर्वे रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। इधर आना। एक्सक्यूज मी। ऐसे तूने जो मेरे को पैसा दिया था वो दुकानदार वाला बोला मेरे को कि मैंने उसने मेरे को बोला अब मैं तेरी जैसी लड़की को कपड़े से नहीं देगा। तुम ऊपर जा, मैं आता हूँ। नहीं, मैं तेरे साथ खाना खाएगी। तुम ऊपर जाके ऑर्डर करना। साला तू इन लुकों के साथ खाना खा सकता है, मेरे को खाना नहीं खिला सकता। Who is she? I'm sorry, please forgive me. Sorry. It's okay. Please, Sina sir. Yes, sir. Market survey report में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप राज बहुत अच्छे। कौन है ये? दोस्त है। दोस्त तो है लेकिन टेम्पर से क्या? वो अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की तो है लेकिन धंधे वाली है ना? कौन धंधे वाला नहीं है? तू भी धंधे वाला है, मैं भी धंधे वाला हूँ। आपको वहाँ नीचे आने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आपने मुझे आपकी मीटिंग में डिस्टर्ब किया? तेरे को मेरे पे शर्म आती है तो पहले क्या नहीं बोला नीचे नहीं आने को? बाथरूम में बंद करके रख देता मेरे को, वो दुकान वाला भी कचरा कर दिया मेरा। बोलते है तू ऐसी लड़की को कपड़ा नहीं बेचेगा। ऐसे गाय को देख रहे मैं अपना गुस्सा खाने पे नहीं निकालती। चाहिए तो जाके लेना। नहीं चाहिए मुझे। कौन दुकान वाला? वो रोड के उस पार वो बड़ी दुकान वाला। क्या बोला? बोला ना तेरे को मेरी इज्जत का बाजी वाला कर दिया। और अब तो भी आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आई हो। मैं नहीं आई थी, तू मेरे को लेके आया अपनी दुनिया में। छोड़ो से, ये लो। ये पकड़। चलो मेरे साथ। कहाँ? उसी दुकान से कपड़े खरीदने के लिए। मैं नहीं जाएगी वहां। मधुबाला, मधुबाला जी, क्या हुआ? आज पहली बार मेरे से किसी ने इतनी इज्जत से बात की। चल ना। चलो। मिस्टर भाटिया का बिल। आप यहाँ फिर आ गई? जी मैंने लाया हूँ। राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा? ओह मिस्टर मल्होत्रा, आई कांट बिलीव इट, आप हमारे यहाँ शॉपिंग के लिए आए, ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। मैं शॉपिंग के लिए आया, ये आई। आपके साथ आई है? श्योर श्योर। जैसे ही रीता सीमा मैडम को अटेंड करो। जी नहीं, आप इन्हें अटेंड करेंगे। श्योर श्योर। आइए मैडम, आइए आइए आइए। ये लीजिए मैडम, ये लीजिए। ठंडा पीजिए मैडम, मैं आपके लिए ठंडा लाया हूँ। मैडम आप ये ड्रेसेस देखिए, तब तक मैं आपके लिए अच्छे अच्छे शूज और सैंडल का इंतजाम करता हूँ। हाँ कल्पना मैडम, तू लेके आना। चल जल्दी जा। यस 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 यस। ये ट्राई करते हैं, ये देखिए, ये अच्छा लगा आपको? नहीं ठीक है। तो ये करके आया सर कि मैं आपकी पूरी दुकान खरीद लूं, लेकिन आपकी दुकान में ऐसा कुछ है ही नहीं जो इन पे अच्छा लगे। तुमको कुछ अच्छा लगा? चले कोई दूसरी बड़ी दुकान। चलो सॉरी। नहीं जब गर्म होता है तेरा, ठंडा पी ले। बुटी के बाल अगली बार ऐसी हरकत नहीं करना। जी अरे रे रे, ये क्या कर रहा है? सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे ये भी देख, ये छोटी बॉटल है। छोटी बॉटल लीवर में बहुत बड़ा होल करती है। देखो मधु, मेरी बीवी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या हो। ठीक है ठीक है। Thank you.
मधु यार, मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? अरे छोड़ना यार, लेडीज टू लेडीज, एक औरत ही दूसरी औरत का दुख समझ सकती है, ठीक बोला ना? बहुत अच्छे, लेकिन जरा प्यार से। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रिया में इन सब कब मिलेगी? कल हम लोग जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, मिला था ओके? और तब तक 25-30 बार जरा प्यार से रेस करना, ठीक है? ओके। प्यार से एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, ठीक है? अरे भैया जल्दी जल्दी चलिए ना, तो प्यार से चलो जल्दी जल्दी। जीते रहो जीते रहो, फोन करते रहना और अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट बेटा, हैव अ गुड फ्लाइट। मैंने ज्यूरिख के ऑफिस में फोन कर दिया, ड्राइवर तुम लोगों को रिसीव कर लेगा, ओके? ऑल द बेस्ट। अगर ड्राइवर नहीं है तो फोन कर देना पायलट को। ये ले गंगा, जैसे खुशखबरी हो अपने हाथ पर बांध लेना, ये बच्चे की रक्षा करेगा। जी 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 देती रहो, ख्याल रखना। डोंट वरी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, ओके? थैंक यू डॉक्टर, गॉड ब्लेस। अच्छा बाबू, अगर ध्यान न रखते एक फोन मार देना मुझे। जीती रहो बेटी, थैंक यू, बाय बाय बेटा, बाय 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 गुड फ्लाइट, बाय। राज वो कहाँ है? यही कहा था मैंने कि हाय हाय, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूँ। एहसान इतना बड़ा है कि थैंक यू भी नहीं कह सकती। इट्स ऑल राइट, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। ये मधु है, ये हमारे साथ फ्लाइट में आई है, यहीं पर रहती है। अच्छा अच्छा, अरे मजे की बात सुन, कल मैंने यूं ही तुम्हारे डैडी को फोन किया और उन्होंने कहा कि तुम लोग स्विट्जरलैंड आ रहे हो, सो आई हैव कम टू पिक यू अप एंड यू गाइस आर टू स्टे इन माय हाउस। लास्ट टाइम तुम लोग हनीमून पे आए थे और मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन इस बार तुम लोगों को हम लोगों के साथ रहना ही पड़ेगा। इस बार भी अलग रहना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस बंगले से बहुत पास है ना, और ऑफिस में बहुत काम है इस बार मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे का नवरात्रि में मुंडन है और आप दोनों को एक हफ्ते के लिए जरूर हमारे घर पे रहना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टे विद अस। चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मेरी गाड़ी आई। अच्छा गाड़ी पे छोड़ देता हूँ, आइए प्लीज कम आइए। मधु ये हमारा घर है, हम लोग यहीं पर रहेंगे। अरे वाह, हिल के बीच में घर, हिल देके मैं तो हिल गई, पर देके पिघल गई। एंड हाउस, हाउस दैट, कम ऑन लेट्स गेट आउट। मास्टर जी, ये सब आपने सिखाया है? कोशिश की थोड़ी सी। कोई बात नहीं, बाकी मैं सिखा दूंगी। हाँ मधु, कैसे लगा घर? बहुत अच्छा है। ये मेरा कमरा है और ये तुम्हारा। सब देखो, ये कोट अटक गया है। लाओ मैं ऐसे निकाल देती हूँ, देखो
तो मुझे मेम साहब नहीं प्रिया कहा करो। अरे राम राम, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? जैसे मैं तुम्हारा नाम ले सकती हूँ। यहाँ पे कोई साहब नहीं और कोई मेम साहब नहीं। ओके भैया, आपके कमरे में इतना बड़ा स्विमिंग पूल, जब चल दे सकते हो। अगर तुम्हें पसंद आ गया हो तो तुम यहाँ रह लो, मैं तुम्हारे कमरे में चली जाऊंगी। ओके ओके, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। मधु को यह कमरा पसंद आ गया तो मैंने उसे दे दिया, मैं गेस्ट रूम में रह जाऊंगी। ठीक ही तो है ना, ये कमरा वैसे ही देख चुके हैं, चलो गेस्ट रूम भी देख लेते हैं। चलो। ऐसे नहीं, जिस तरह से मैं तुम्हें इस कमरे में लेके आया था उसी तरह से मैं तुम्हें गेस्ट रूम में लेके जाऊंगा। ये मेरा कमरा, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा कमरा वो है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरी बीवी यहाँ है। तुम मेरी हो ना, तो फिर बनिए का सामान, कपड़े चप्पल सभी की दुकान में। हाँ मधु, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले लेना। हाँ हाँ, अटेंशन प्लीज, सिंस देयर इज अ वेदर फोरकास्ट ऑफ हेवी स्नोफॉल दिस इवनिंग वी विल बी क्लोजिंग द शॉप इन हाफ एन आवर। सुनो मधु, अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ हैवी स्नोफॉल होने वाला है और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। थोड़ी देर में हमें राज पिकअप करने आ रहा है, तुम्हें काम करना है। तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? साल भर के खाने का सामान ले ली क्या? प्रिया का है? शॉपिंग करिए? नहीं, वो तो घंटा पहले ही यहाँ से चली गई। क्या उसे मालूम नहीं है स्नो स्टॉर्म आने वाला है? मालूम है, उसे घर के पास से कुछ सामान खरीदना था ना, इसलिए चली गई। अब तक तो घर भी पहुँच गई होगी। चलो चलिए फिर, चलो मैं करता हूँ वहां से। इस साइड से do you speak English? Yes, sir. Yeah. Could you tell me if there's an Indian girl in your store? Her name is Priya. Sorry, sir. The shop is closed. There is no customer. All right. Thank you. Welcome. Madhu, phone baja. Hello? Haan, Priya. Kahan ho tum? Church mein. Achha, tum wahin pe rukna, main tumhe lene aa raha hu. Tum kaise aa sakte ho? स्नोफॉल की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जैसे रास्ते क्लियर हो जाएंगे मैं आ जाऊंगी। रास्ते तुमने बंद किए,
ऐसे ही समझ लो, अगर तुम दोनों तनहा नहीं होंगे तो हम दोनों की जिंदगी की तनहाई कैसे दूर होगी। मैंने कोका कोला में थोड़ा वोडका मिला दिया था, बाहर ठंडी तरह ज्यादा हो गई है ना इसलिए।
Congratulations. Good news. She's expecting. Congratulations. Priya, तुम माँ बन गई हो. ये माँ बन गई? 10 लाख. 10 लाख? मुबारक हो राज, मुबारक हो. बहू को हमारी तरफ से आशीर्वाद देना. हाँ, और देखो तुम पहली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाओ. नहीं नहीं दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि प्रिया को लंबी फ्लाइट लेना अलाउड नहीं है. अच्छा ठीक है ठीक है, तुम नहीं आना, बिल्कुल बहू का लेकर मत आना, लेकिन बहू का वहाँ ख्याल रखना. अरे ये क्या हो रहा है? ये लो, अपनी माँ के साथ बात करो. राज बेटे. हाँ माँ. बधाई हो, जीते रहो, मेरी उम्र की तुझे भगवान दे दे. बहू को फोन देना. नहीं दूंगा. एक सेकेंड. हेलो. जीते रहो बेटी, खुश रहो. देखो कोई भारी सामान बिल्कुल मत उठाना. जी जी. और वो पूजा के फूल के मैंने गन्ना तुम्हें दिया है, उसे कलाई पे बांध देना. मैं हाथ हाथ पे बांध देना. ओके माँ. हेलो. अरे कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो. नहीं नहीं बिल्कुल, जो भी डॉक्टर कहेगा वैसे ही करना. ठीक है. और बहू का ख्याल रखना. जी ओके. हाँ ओके बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू. बाय बाय बाय. अरे बधाई. फोन रख दिया यार. मधु, ये क्या है? इसमें भगवान की पूजा के फूल है, बच्चे की रक्षा के लिए माँ जी ने मुझे दिए थे. ओ, इसे हमेशा पहन कर रखना, ये बच्चे की रक्षा करेगा. Thank you.
से मौसम क्या सस्पेशन ना आया है, कोई बता दे कोई बता दे कोई बताए ना, ये मैं जानू प्रिया, देखो ना 3 महीने हो गए अभी तक पेड़ निकल ही नहीं रहा है। मधु, 3 महीने में नहीं 5-6 महीने के बाद ही निकलना शुरू होता है। जब मैं लास्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रही थी ना तो मैं भी तुम्हारी तरह परेशान थी, फिर सासू माँ ने मुझे बताया। सास? अरे बाप रे, ये सास तो बहुत डेंजर होती है ना। नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। और राज के दादाजी, वो मुझे बहू नहीं अपनी पोती मानते हैं। और कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? एक डॉक्टर दादा है जो दादाजी के दोस्त है, एक मामा जी है, एक मामी जी है, और एक पप्पू भैया है। उनके कॉन्टेक्ट इतने हाई हैं कि अगर घर में कोई भी फोन खराब हो ना तो वो मैकेनिक को नहीं सीधा टेलीकॉम मिनिस्टर को फोन करेंगे। और उनकी यू करने की आदत है तो हर नए आदमी को गलतफहमी हो जाती है। तुम्हारे ससुराल में कितना मजा आता होगा ना, कब सुबह हुई कब शाम पता ही नहीं चलता होगा। पहले तो ऐसे ही था, लेकिन जब से मेरे साथ, लेकिन वो दिन फिर से आ जाएंगे। थैंक्स टू यू। मुबारक हो राज, हमारी कंपनी ने 10 मिलियन का सेल क्रॉस कर लिया है। ये तो कुछ भी नहीं है, 10 मिलियन से ज्यादा क्रॉस करेगा, 100 बिलियन। या हाय अजय। हेलो भाभी, कैसी हैं? ठीक हूँ। ये मेरी दोस्त है मधु। हाय। अनिल अजय, राज के दोस्त और बिजनेस पार्टनर। हेलो। Thank you. Ladies and gentlemen, today I stand here in front of you to launch a new product of my company, our company. It's called Cosmetics of India. And the person who's gonna launch this product for us today is a very important person in my life. Ahmadu. Ahmadu, tumhi hamari VIP ho. Come on. Please come. इधर आना। Yes, right for me, right? You guys have a good time. Come to the station. Priya. Hey guys, Vicky bhai aa gaye. Excuse me. Congratulations, Raj. Thank you. अरे भैया, भाभी नहीं आई? अरे परसों मेरे मुन्ने का मुंडन है ना, इसलिए वो बिजी है वहाँ, लेकिन मैं तो आया हुआ। और मैं आप लोगों को ये याद दिलाने आया हूँ कि परसों आप दोनों को मेरे बेटे के मुंडन में जरूर आना है। ओके। हेलो। हाय। मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। कमाल है, कितना चेंज आ गया है। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हें धंधे वाली हो। तुम्हें किसने बताया? मेरे और राज के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहती। अच्छी चीज का मैं भी कदरदान हूँ, माल अच्छा हो तो पैसे की फिक्र नहीं करता। जैसे ही राज से फुर्सत मिल जाए तो आ जाना, जितना पैसा राज दे रहा है उससे डबल दूंगा। पार्टी छोड़ के यहाँ क्यों चली? मुझे आनी रहना, मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? तुम अमीर लोग सब एक जैसे होते हो, अपने मतलब के लिए क्या क्या खेल खेलते हो। पहले मुझे इतनी इज्जत देके आसमान पे बिठा दिया और फिर एक ही झटके में जमीन पे लाके गिरा दिया। अरे तुम्हें बच्चे ही चाहिए था ना,
तो वो तो मैं तुम्हें सड़क पे भी पैदा करके दे सकती थी। क्या जरूरत थी मुझे अपनी सोसाइटी की लाइफ बनाने की, जब तुम्हें अपने दोस्तों से यही कहना था कि मैं करने वाली हूँ। इतना अजीब तो मुझे तब भी नहीं लगा जब मैं धंधा करती थी, जितना कि आज लग रहा है। क्या जी ने तुमसे कुछ कहा? मधु, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन बॉम्बे की कॉन्फ्रेंस में जब तुम आई थी, मधु। अरे मधु, कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जांच नहीं कर सकती। मधु, राज और मैं तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे वेल विशर्स हैं। हम लोग कभी तुम्हें ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे तुम्हारे दिल दुखे। तुम्हें डांस करना है ना, आओ। नहीं, मुझे कोई डांस नहीं करना। राज, इंसान जिसे अपना समझता है ना, उसको छोटी सी बात भी दिल पे लग जाती है। प्रिया, मैंने तुम्हें मधु के बारे में एक बात नहीं बताई। मैं जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया है। तुमने अच्छा ही किया, ये बात तुमने पहले मुझे नहीं बताई। हो सकता है कि ये बात जानने के बाद उस वक्त मैं मधु को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए मधु से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी। मधु कैसी है? मैं अभी अभी उसके रूम से आ रही हूँ, वो अब तक नाराज है। अगर हम दोनों उसे अकेला छोड़ के मुंडन के लिए चले गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो जाना कैंसिल कर देते हैं? नहीं नहीं, वो विकी भैया बुरा मान जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ मुंडन में, तुम यहाँ रह जाओ, और मैं कुछ बहाना कर दूंगी कि तुम बिजनेस के लिए नहीं आ सके। ठीक है, जाके सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। चलो। लो जूस पी लो। सिगरेट तुम्हारी सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। देखो मधु, मैं जानता हूं कि तुम अपसेट हो, लेकिन जब तुम बॉम्बे की कॉन्फ्रेंस में आई थी, जिस तरह के तुमने कपड़े पहने थे, जैसे तुमने बिहेव किया, वो अजय भी वहीं पे मौजूद था। जब ये बात मैंने अपनी दीदी प्रिया को नहीं बताई तो अजय को क्यों बताऊंगा? इसके बाद भी ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई। I'm sorry। पी लो सिगरेट। हाय नारी जी। राज घर पे नहीं है, वो ऑफिस गई है। हाँ मैं जानता हूँ, राज ऑफिस गया है और लेट आने वाला है, और प्रिया भी घर पर नहीं है, अपने कजिन के आ गई है, इसलिए तो आया हूँ। जब से मैंने तुम्हें पार्टी में देखा है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मौका मिलते ही यहाँ आ गया। दुनिया की हर किस्म की लड़कियों के साथ मैंने ऐश की है, लेकिन जो बात तुम में है वो किसी में नहीं। आप प्लीज यहां से चले जाइए। हाँ समझ गया, तुम राज के कॉन्ट्रैक्ट में हो इसलिए तुम्हें टेंशन है।
मेरे और उसके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि बचपन का दोस्त भी है। उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम नाउ। दो टके की धंधे वाली, तूने मुझ पर हाथ उठाया। चलो उठ इधर। बहुत शरीफ बनते तू क्यों? तेरी शराफत अभी निकालता हूं मैं। सोचा था कि क्या सोचा? रेप करेगा? रेप करेगा? क्या कर रहा राज तू? रेप करेगा? मेरी बात तो सुन राज। रेप करेगा? राज, राज, राज मेरी बात तो सुन। राज मेरी, राज क्या कर रहा है तू? एक दो टके की धंधे वाली के लिए तू मुझ पर हाथ उठा रहा है? कि तुझे दो कौड़ी की धंधे वाली दिखाई दी थी? मुझे तो नहीं दिखाई दी। तुझे कैसे दिखाई दी? तुझे कैसे दिखाई दी तुझे? राज, ऐसी लड़की के लिए तू अपने बचपन के दोस्त पर हाथ उठा रहा है? बचपन का दोस्त? मेरा भाई जी होता था तभी मैं तुझे समर्थित इसके लिए अपने 500 करोड़ की पार्टनरशिप को लात मार रहा तू। इसके लिए 500 करोड़ क्या? पूरी दुनिया की दौलत को बिना टुकड़ा दूंगा। मानो क्यों? क्योंकि शी इज प्राइसलेस फॉर मी। मेरा दोस्त है ना, इसकी दुनिया से निकल वरना मैं तुझे मार डालूंगा, समझा?
मैंने सब कुछ तेरे प्यार को दे दिया, कुछ पे रब से भी ज्यादा भरोसा किया। मैंने सब कुछ तेरे प्यार को दे दिया, कुछ पे रब से भी ज्यादा भरोसा किया। क्या सोच रही थी? अपना बचपन याद कर रही थी। जब मैं छोटी थी ना, मेरी माँ हमेशा मुझे कहानी सुनाया करती थी कि एक गरीब लड़की थी। एक दिन उसके पास सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आया और उसे अपनी दुल्हन बना के ले गया, और फिर उसके सारे सपने पूरे हो गए। मैं भी सोते जागते यही सपना देखा करती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे लिए सफेद घोड़े तो नहीं, लेकिन बहुत सारी सफेद गाड़ियां आई, उनमें से बहुत सारे राजकुमार भी उतरे, लेकिन कोई मुझे ले जाने नहीं आया, सब मुझे खरीदने आए। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बचपन में बच्चों के लिए एक परी कथा थी, असली में ऐसे थोड़ी होता है। थैंक यू वेरी मच। राज और प्रिया तो हमें देखकर चक्कर खा जाएंगे, देखना। ये छोटू जल्दी से सामान नीचे उतार। चल। अरे बंसी जी, इतना सामान मैं कैसे उठाऊंगा? आओ मेरे साथ। प्रिया, हाँ? दादाजी पूरी फैमिली को लेकर आ गए। क्या? हाँ। वो तुम्हारी फैमिली है? हाँ। प्रिया गड़बड़ हो जाएगी, वो सोचते कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओह गॉड। एक सेकंड। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये अच्छा। हाँ, सुनो, 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 ये ठीक है। ये घंटा भी तुम्हें लेना। लेकिन इसमें तो पूजा के फूल। मुझे मालूम है, पूजा के फूल है, पूजा के फूल निकाल के इसको देना और तुम घंटा। राज, बहू हम आ गए। अरे कहो, फूल नहीं समाओगे? अरे दादी जी, माँ, दादी जीते रहो, जीते रहो। हाउ यू बेटा, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। सरप्राइज किया ना? पप्स, जीते रहो बेटे, जीते रहो। दिस इज नॉट फेयर। व्हाई? बिना खबर किए आप लोग ऐसे ही पहुंच गए? सरप्राइज, सरप्राइज। भाई हम लोग प्रिया को देखे बगैर नहीं रह सकते थे, हम आ गए। अरे लेकिन प्रिया कहाँ है? तकिया बांध रही है। तकिया बांध रही है? तकिया बांध रही है? क्या सुना आपने? क्या बोला तुमने? कपड़े बदल रही है। ओ, मैं तो प्रिया। आओ मेरी बच्ची, आओ। मेरी कहना मम्मा। जी प्रिया, दुनिया भर की खुशियां दे दी हमें। नहीं नहीं बेटा, इतना नहीं। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। खैरो, मैं तुम्हारी नजर उतार दी। ओ दादी जी, कैसी हो बेटा? कैसे आपको प्रिया? हाय मामा जी। कैसी हो प्रिया बेटी? मैंने कहा था ना, भगवान ने चाहा तो साल भर में तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी, है ना? क्या मामा, आप इतने भी ऐसे क्या सिखाई दे रही मुझे? सुनो, आपको ऐसे
क्या हुआ? ये मेरी दोस्त की बीवी है मधु। इसके हस्बैंड अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इसके घर में कोई नहीं है इसलिए हमारे साथ रहती है। अच्छा अच्छा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटी। ऐसे वक्त में ना अकेले नहीं रहना चाहिए। आओ इधर आओ, आओ ना। वेरी वेल, खुश रहो, जीती रहो। मैं प्रिया की सास हूँ। मुझे मालूम है, प्रिया मुझे रोज आप सबकी बातें बताती है। आप मामी जी हो, आप मामा जी, और आप पप्पू भैया, और आप दादाजी। मेरी बहन, अरे झुकना नहीं, जीती रहो बेटा, जीती रहो। और आप पापा जी, दादाजी, आप मेरी नजर नहीं उतारेंगे? अरे क्यों नहीं बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। की बात नहीं है, मिथुन चक्रवर्ती ऊटी में क्यों रहते हैं? ताकि वहाँ के लोगों में वो गोरा दिखाई दे। दादाजी बिस्किट। थैंक यू। मधु बेटा, तुम्हारा पति क्या बिजनेस करता है? जी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ दादाजी, इसलिए कभी यूके, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, हमेशा भारी रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई कुछ भी हो बिजनेस तो चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे समय में पति को पत्नी के पास ही होना चाहिए। कोई बात नहीं बहू, जैसे हम अपनी प्रिया की देखभाल करेंगे वैसे ही इसकी भी देखभाल करेंगे। माता पुनी बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा, कीजे शिशु लीला ति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये सुनकर भगवान विष्णु बालक बनकर रोने लगे और उनका वो प्यारा सा रूप देखकर माता कौशल्या की आंखों से खुशी और ममता के आंसू बहने लगे। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन अगर गर्भवती मां सुनती है तो उसके बच्चे को भी अच्छा लगता है। तुम जरा महसूस करके देखना, कोई न कोई हरकत अंदर जरूर हो रही होगी। सुनी शिशु रुदन परम प्रिया बानी, तम रम चली आई सब रानी, हर्ष जगना भाई दा। अरे मधु बेटी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आके बैठो, आओ आओ बैठो। हाँ तो सुनो, भगवान श्री राम के जन्म के समय पिता दशरथ की क्या हालत थी? क्योंकि जितनी खुशी बच्चे के होने के समय माँ को होती है उससे दुगनी पिता को होती है। तू क्या सोच रही है बेटी? यही ना कि तेरा पति तेरे साथ नहीं है? इसमें जरूर उसकी कोई भी होगी, लेकिन वो हर समय तेरे और तेरे बच्चे के बारे में ही सोचता होगा। हाँ तो तुलसीदास जी ने कहा, प्रिया बेटी। जी माँ। बेटी वो सौंठ के लड्डू है, याद है? मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ तेरे लिए, देख खा ले, शाबाश। आ मधु बैठ। माँ मेरे लिए दिल्ली से सौंठ के लड्डू लाई है, इसे खाएगी ना तो बहुत फायदा होगा, खा। तीखा है ना? लास्ट से जब मैं से करी थी ना तो मुझे भी बहुत तीखे लगते थे, इसलिए माँ मुझे अपने सामने बिठाकर जबरदस्ती खिलाती थी। एक और खाएगी? अरे मारी कह नहीं, मेरे लिए है मधु। जी माँ जी। अरे तुम यहाँ हो, और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। मैं दादाजी के पास बैठी थी। क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं रोने वाली पिक्चर देख रही थी ना, इसलिए रो पड़ी। चल तो मेरे साथ, चल बैठ आराम से, आराम से। मधु बेटी, ये है ना ये सौंठ के लड्डू हैं, इसे खाने से बच्चे को और माँ को दोनों को बहुत फायदा होता है, चल खा ले।
नहीं माँ जी, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं बाद में नहीं, तुझे मेरे सामने खाना होगा वरना तू रद्दे ही। नहीं नहीं माँ जी, सीखा होता है ना इसलिए मैं जानती हूँ। चल मुखुल, शाबाश शाबाश मेरी मुखुल 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 शाबाश शाबाश, ठीक है ना, शाबाश। अरे मधु बेटी, तुम्हारे पैरों में तो बहुत सूजन है। जी मैंने डॉक्टर से कहा था लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होता है। ऐसा होता जरूर है लेकिन ज्यादा सूजन अच्छी बात नहीं। मैं तेरे पैरों में ना 7 बूटी वाला तेल लगा देती हूँ, उससे सूजन कम हो जाती है। बंटी वो 7 बूटी वाला तेल तो लाना। बस रख दो जी। ला बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे पाँव को हाथ लगाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे तो अच्छा लगेगा, जिसे जुबान से बेटी कह दिया उसे मन से बेटी मान भी लिया। तू मेरी बेटी है ना। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है बेटी? मेरा कोई नहीं है माँ जी। इंडिया में तो होगा ना? दुनिया में नहीं है। आज के बाद फिर कभी मत कहना कि मेरा कोई नहीं है। अब से ये सारा परिवार तुम्हारा है। पंडित जी कैसे हैं आप? हाँ जी एक मिनट दादाजी। हाँ बेटा। पंडित जी का फोन है दिल्ली से। हेलो। हाँ पंडित जी नमस्कार। किसका फोन? हाँ क्या बोल रहे? ठीक है ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। आप तैयारी कीजिए। हाँ अच्छा। किसकी तैयारी दादाजी? राज, पंडित जी ने प्रिया की गोद भराई की रस्म के लिए 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है। अरे मुबारक हो। हम कल ही दिल्ली जाएंगे। अच्छा राज, हम इंडिया कैसे वापस जा सकते हैं? मधु भी तो हमारे साथ होनी चाहिए ना। क्योंकि प्रिया की गोद भराई की रस्म 18 तारीख की फिक्स हो गई है। तुम राज के साथ ऑफिस चले जाओ और फौरन बोर्ड की मीटिंग बुलाकर सबको समझा दी। दादाजी ऐसा नहीं हो सकता क्या पंडित जी को यहीं भी बुला लें और यहीं पे गोद भराई की रस्म कर लें? क्यों? क्योंकि प्रिया की डिलीवरी की डेट इसी महीने और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। अरे फैसिलिटी क्या बात कर रहे हो, एक फोन मारकर सारी फैसिलिटीज मैं दिल्ली ट्रांसफर करा दूंगा। यहाँ के फैसिलिटी मिनिस्टर का नंबर क्या है? अरे यहाँ पर मिनिस्टर की फैसिलिटी ही नहीं है। अच्छा, इससे तो अच्छा बिहार है। राज बेटा सारी मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली में मिल जाएंगी। और गोद भराई की रस्म तो वहाँ की जाती है जहाँ दोस्त हो रिश्तेदार हो। यू राइट माँ, हम सब इंडिया चलते हैं। मधु मैंने तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी की डेट और प्रिया की डिलीवरी की डेट एक ही दिन पे, लेकिन हम सब इंडिया जा रहे गोद भराई की रस्म के लिए और मैं दादाजी की बात कोई टाल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे हॉस्पिटल की बुकिंग्स वगैरह मैं सब कर दूंगा और जब भी तुम्हें लेबर पेन हो तुम खुद चले जाना, इतना मैनेज कर लेना प्लीज। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसी हालत में वो बेचारी अकेली कैसे जाएगी अस्पताल? दादाजी इसके पास और कोई चारा भी तो नहीं ना, कौन है इसके साथ? और ये इंडिया भी तो नहीं चल सकती हमारे साथ। क्यों नहीं चल सकती? तुमने इसके हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि नहीं? जी किया तो था। सब लोग सुन लो, ये मेरा फैसला है कि मधु हमारे साथ दिल्ली जाएगी। बेटा मुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? वो मेरे पापा और वो मेरे भैया बाबा। ये लोग क्या लेके आए हैं? शगुन। गोद भराई की रस्म में होने वाली माँ महके के ही कपड़े पहनती है। अरे वाह, ये रस्म इतनी बड़ी होती है। पप्पू जरा बात सुन, तो पंडित जी चावल मांगते रहते जाम कर दे। फोर्ड मिनिस्टर को फोन करो, कितनी बोरियां आपको बताइए। ओहो हे भगवान, 2 मुट्ठी चावल के लिए तो मिनिस्ट्री में फोन करेगा। किचन से ला, किचन से ला। ओके आइए। एक्सक्यूज मी, क्या आपने भाटी अंकल को कहीं देखा है? देखा तो नहीं, क्यों क्या बात है? क्या आप मेरी नकल उतार रहे हैं? नहीं नहीं, ये मेरे बचपन की आदत है। आपकी माँ फतेहपुर के लाल बंगले में आया जाया तो नहीं करती थी ना? फतेहपुर के लाल बंगले में मेरी माँ कभी नहीं गई, बापू अक्सर जाया करते थे वहाँ।
बापू हमेशा कहा करते थे कि बेटा तेरी कोई बहन है। बापू रिया तेरे शगुन का जोड़ा आ गया है, अब जल्दी से तैयार हो जा। माँ जी आप नीचे चलिए, मैं प्रिया को तैयार करके लाती हूँ। नहीं बेटी तुम नीचे नहीं आ सकती। देखो मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी भी गोद भरे की रस्म मैं प्रिया के साथ करूं, लेकिन पंडित जी ने कहा कि दो गर्भवती एक साथ इस फंक्शन में नहीं शामिल हो सकती। ठीक है माँ जी। और प्रिया बेटी आज बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे सुलह सिंगार करना। जी। औरत की जिंदगी में ये गोद भराई की रस्म बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि औरत की एक नहीं तीन जन्म होते हैं। पहला जब वो किसी की बेटी बनकर इस दुनिया में आती है, दूसरा जब वो किसी की पत्नी बनती है, और तीसरा जब वो माँ बनती है। और माँ बनने से पहले ये गोद भराई की रस्म इसलिए की जाती है कि आने वाले बच्चे को इतने आशीर्वाद और दुआएं मिल जाएं कि उसका जन्म तकलीफ के साथ नहीं खुशियों के साथ। खुशियों के साथ, खुशियों के साथ। अब तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, रस्म का वक्त हो रहा है बेटी। अरे राज तुम यहाँ, अब प्रिया को बातों में लगाकर मत रखना, इसे तैयार होकर नीचे आना है। अच्छा राज मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकती। क्यों? माँ ने कहा ये कोई मामूली रस्म नहीं है, ये पूजा प्रार्थना इसलिए है कि आशीर्वाद दुआएं हमारे बच्चे को मिले। इस रस्म में मेरी जगह मधु को बैठना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मधु मेरा दुल्हन का जोड़ा पहन ले तो घूंघट तो रहेगा ही ना, और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो मधु है। प्लीज राज। मधु तुम शगुन का जोड़ा पहन लो। ठीक है। थैंक यू। भाभी जी जरा देख कर आओ ना, क्या रेडी हुई नहीं हुई, ले आओ जल्दी से। ठीक है मामी मैं देख लूँ। मामी देखा? देखा। अच्छा भाई तू ही ले आ। कौन? हाँ मैं। मधु रेडी हुई? हाँ रेडी हूँ। ओह माय गॉड लड़किया, अरे मैं तो मंगलसूत्र बना लेती हूँ। मैं बना लेता हूँ, तुम जाओ। अरे ठीक है मैं उस तरफ चली जाती हूँ। वारिस देने वाली मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। भगवान करे तेरा बच्चा जुग जुग जिए, और जैसे सूरज सारी दुनिया को रोशन करता है तेरा बच्चा मेरे वंश का नाम रोशन करे। भगवान करे तुम्हारे बच्चे को मेरी उम्र लग जाए, और वो तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाए कि उसके सामने दुनिया की सारी खुशियां फीकी पड़ जाए। अरे वाह भैया, तेरे हाथों में मेहंदी का रंग कितना गहरा है, इसका मतलब है राज तुझे बहुत प्यार करता है।
आओ भाई आओ, आओ 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 आओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बच्चे के परदादा का नाम बताइए। हमारा कैलाशनाथ मल्होत्रा। अस्त कैलाशनाथ मल्होत्रा पर पौत्र आगमनम सर्व कुटुम्ब कल्याण प्राप्त रस्तु। बच्चे के दादा का नाम रंजीत कुमार मल्होत्रा। रंजीत कुमार मल्होत्रा पौत्र सर्व प्रसिद्धि प्राप्त रस्तु। बच्चे की दादी का नाम आशा मल्होत्रा। आशा मल्होत्रा पौत्र आयुष्मान भव। बच्चे के पिता का नाम राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा पुत्र चिरंजीवी भव। बच्चे की माँ का नाम प्रिया मल्होत्रा। प्रिया बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छा क्या था? बाबूजी का डांस। क्या बोलती हो? क्या तूफानी हवा चल रही है? मैं इन खिड़की को बंद करवा देती हूँ। देखो रात की बहुत हो गई बेटे, तुम जाते सो। okay, अच्छी तरह उठ जी तिरो। मल्होत्रा नहीं है, मैं हूँ। ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। मधु ऐसा मत कहो,
9 महीने मैंने इस बच्चे के जन्म के लिए तपस्या की है। हर रोज इस बच्चे के लिए एक नया सपना देखा है। इस समय मैं और राजी नहीं, हमारा पूरा परिवार एक एक दिन गिनकर इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है। इसके साथ हमारी पूरी खुशियाँ जुड़ी है मधु। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी। मधु, मेरी तरह तुम्हें कोई कमी नहीं है, तुम शादी कर सकती हो, फिर से माँ बन सकती हो, लेकिन मैं तो अधूरी हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मधु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बच्चा दे दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। रुपया पैसा ज्यादा, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मुझे तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो? आखिर तूने अपनी औकात दिखाएगी। मैं समझती थी कि वैश्य भी एक औरत होती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि वैश्य कभी किसी का भला नहीं कर सकती, वो सिर्फ घरों को तोड़ सकती है। मैंने तुमसे तुम्हारा पति मांगा, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। तुम तो एक माँ से उसकी औलाद मांग रही हो। माँ चाहे वैश्य हो या किसी घर की बहू, माँ सिर्फ माँ होती है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, राज। राज, वो हमारा बच्चा देने से मना कर रही है। प्रिया, तुम उसकी हालत तो देखो। मधु, डॉक्टर दादा को फोन करो जल्दी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मधु की स्कैनिंग हो रही है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन है। माँ का फोन है। हाँ माँ। अरे तुम प्रिया, मधु तीनों घर में नहीं हो, कहाँ हो तुम सब? माँ, हम लोग अस्पताल में। मधु और प्रिया को लेबर पेन शुरू हो गए थे, तुम्हें यहाँ पे ले आए। क्या? मैं ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ, हम सब हॉस्पिटल पहुँच रहे। अच्छा नहीं माँ, नहीं, आप लोग आराम से आइए, ठीक है? डॉक्टर दादा मेरे साथ है। ओफो, मैं बता रही हूँ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। कम पेट में बच्चा घूम गया है, इसलिए वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, गो अहेड। लेकिन कंडीशन है सीरियस, मैं इस ऑपरेशन में माँ या बच्चा दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकती हूँ। हमें जल्दी डिसीजन लेना होगा। डॉक्टर, आप माँ को बचाइए। इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी कीजिए। yes. नर्स मिस्टर राज के सामने चली जी। कमन नर्स, इनको अंदर लेके चलो। समझ गुड न्यूज, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। ऑपरेशन कामयाब रहा, बच्चा और मधु दोनों सही सलामत है। मुबारक हो, लड़का हुआ है। तुम माँ को बचाना चाहती थी ना, माँ भी बच गई।
और तुम्हारा बच्चा भी। मैं कुछ देर के लिए बैठ गई थी, खुद का सो गई थी। इस बच्चे की मां तुम ही हो, ये तुम्हारा ही है। उस बेचारी का तो बच्चा पैदा होते ही ना बेटी, दिल छोटा मत कर, समझना वो तेरा था ही नहीं। हमारी प्रिया के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुमने देखा, एक साल में भगवान ने उसकी गोद भर दी। हाँ बेटी, जाओ मधु, मैं घर वालों को सच बता देती हूँ। जब दो भाई एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रह सकते हैं, तो बहनें क्यों नहीं रह सकती। मुझे यहां पूरा परिवार मिला है, सिर्फ एक बहन की कमी थी, आज वो भी मिल गई। इस बहन को बहन ही रहने दो, सौतन मत बनाओ, नहीं तो कभी कोई औरत किसी दूसरी औरत पे यकीन नहीं करेगी। इस परिवार पे और राज पे सिर्फ तुम्हारा हक है। मेरा हक तो उन यादों पे है जो मुझे यहां मिली। मैं यहां एक बेटी बनी, दुल्हन बनी और एक मां, और मुझे क्या चाहिए। मधु, तुम्हें चेक इन कर दिया है, ये तुम्हारा बोर्डिंग पास, तुम्हारे बैग लगेज में डलवा दिए, इसमें तुम्हारे नए घर की चाबी है और कुछ ब्लैंक चेक्स तुम्हारे नाम, जो तुमने मेरे लिए और प्रिया के लिए किया है, उसके लिए अगर मैं अपनी पूरी दौलत भी दे दूं तब भी कम है। बस ये समझ लो कि ये मेरी और प्रिया की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मैंने तो तोहफा ले लिया, ये देखो, मैं अपनी पूरी फैमिली अपने साथ लेके जा रही हूं। इसके सिवा मैंने कुछ भी लिया तो ऐसा लगेगा कि एक मां ने अपने बच्चे की कीमत ले ली। लेकिन मधु, तुम, मैं अब उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी जहां से तुम मुझे लाए थे। तुमने एक बार मुझे छू लिया, अब और कोई नहीं छू सकता।